यह चैप्टर बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, 8 मार्क्स से देखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यह जैसे दो चीज़ से मिलके बना है, इलेक्ट्रो और एस्टेटिक्स है। इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज, और एस्टेटिक्स मतलब होता है टू बी इन रेस्ट, और मतलब जो चार्ज को रेस्ट के बारे में अध्ययन करा है वो कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट एस्टेटिक्स नेचर ऑफ चार्ज, मतलब यह एक भौतिक की शाखा है जिसके अंतर्गत हम एस्टेटिक्स नेचर ऑफ चार्ज के अध्ययन करते हैं, इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब आता है क्वेश्चन कि चार्ज क्या है। चार्ज द इफिशियंसी और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज, मतलब इफिशियंसी और डिफिशियंसी जो होता है इलेक्ट्रॉन की जो क्षमता होती है उसे हम कहते हैं चार्ज, उसे हम क्या कहते हैं चार्ज। अदर वर्ड में दूसरा में कहेंगे कि प्रॉपर्टी एसोसिएट बाय फंडामेंटल पार्टिकल इज कॉल्ड चार्ज, जो प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटेड होता है फंडामेंटल पार्टिकल के द्वारा उसे हम कहते हैं चार्ज। चार्ज की जो खोज है 600 बीसी पूर्व चार्ज कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड अम्बर। ओके, कितने टाइप्स होते हैं, तो मेनली चार्ज के दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इसको प्लस क्यू से हम डिनोट करते हैं और इसको हम माइनस क्यू से डिनोट करते हैं। चलिए, इसमें एक और चार्ज होता है जिसको हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में हम आगे जानेंगे। चलिए, अब हम एसपी केस के अंतर्गत बहुत सारे बात को हम डील करेंगे जो चार्ज से रिलेटेड होगा। सबसे पहले एसपी केस के बारे में बता दें कि एसपी केस उससे रिलेटेड विशेष चीज़ होती है जिसमें हम चार्ज से जुड़े सारे बातों को डिफाइन करेंगे। तो चार्ज को हम क्यों से डिनोट करते हैं, ये अभी आपको बताए हुए थे। चार्ज बराबर क्या होता है, करंट इनटू टाइम। तो करंट इनटू टाइम, करंट का होता है आई और टाइम का होता है टी, इसीलिए हो गया क्यू बराबर आई टी। इसलिए अब इसको हम चेंज करके देखेंगे, तो आई को यदि इधर लाते तो क्या होता है क्यू बट्टा टी। यदि कुछ देर के लिए डेल्टा टी टेंस टू यदि हम जीरो करते हैं तो आई बराबर डेल्टा टी टेंस टू जीरो, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, इससे हमारा क्या हो जाता है आई बराबर डी क्यू बट्टा डी टी। ये डिफ्रेंशिएट फॉर्म में जाता है, किस फॉर्म में जाता है, डिफ्रेंशिएट फॉर्म में, आई बराबर डी क्यू बट्टा डी टी। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है कूलम्ब होता है, ऐसा यूनिट जो होता है कूलम्ब होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला चार्ज का, तो क्यू बराबर ए क्यू बराबर आई टी, क्यू बराबर आई टी है, चार्ज बराबर होता है क्यू बराबर आई टी, था क्यू का होगा ए टी। चलिए आगे देखेंगे, वे मेन है इससे रिलेटेड, तो हमेशा आपको जानना होगा बहुत सारे जरूरी के लिए कि ये क्या है। सबसे पहले लाइक चार्ज, लाइक मतलब प्लस प्लस वाला, तो लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, मतलब रिपेल करेगा। लाइक चार्ज क्या करता है, तो रिपेल करता है, रिपेल, ये बात आप माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि लाइक चार्ज रिपेल इच अदर। दूसरा है अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, ये देखिए प्लस माइनस है, ये इधर की तरफ जाएगा इसके तरफ और ये इधर की तरफ आएगा, तो अनलाइक जो होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ओके,